एवरीवन, आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं डोम्स कलर के साथ। हम इनको कलर करेंगे और एक बात, नई चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। रियलिस्टिक ज्वेलरी का फुल ट्यूटोरियल यहाँ पे है। अगर आप विदाउट स्किप इसको देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी बहुत अच्छे से ज्वेलरी ड्रॉ कर पाओगे। ऑयल पेस्टल से ज्वेलरी हम ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा अगर आप अच्छे से करोगे। तो ये ड्रॉइंग मैं कर रही हूँ A3 ग्रे पेपर के ऊपर। A3 साइज़ का पेपर है, 1/200 GSM। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैंने दे दिया है, कलर का भी लिंक दे दिया है। तो आप जाओ इसको देखो और इसको परचेस करो। और यहाँ पे स्किन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पीच कलर। इसको कैसे ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड करने के तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि इजीली आप ब्लेंड कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो मैं एक प्राइमर कलर यूज़ कर रही हूँ हर एक सरफेस पे। और देखो मैं बर्ड्स की जो टिप है वहाँ पे एक डार्क कलर मैंने लगाया है और एक टिप पे मैंने लाइट कलर। तो जहाँ पर डार्क कलर मैंने लगाया है उसकी साइड से ये डार्क शेड को आपको ब्लेंड करना है। देखो कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग हो रही है। और जहाँ पे लाइट कलर मैंने अप्लाई किया है वहाँ पे लाइट जो टिप है उसको देकर मैं ब्लेंड करूँगी। तो देखो बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे से भी बन जाते हैं। अगर आप बिगिनर हो, आई होप कि ये जो वीडियो है आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। देखो कितना अच्छा सॉफ्ट लुक दे रहे हैं। अगर अभी तक आपका ड्राइंग अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसे करके देखिएगा, बहुत अच्छा लुक देगा। और ये ड्राइंग मैं बना रही हूँ स्पेशली मदर्स डे के लिए, जो कि इससे ज़्यादा खास ड्राइंग हो ही नहीं सकता। बिगिनर के लिए बहुत ही इजी ड्राइंग मैं इसके पहले डाल चुकी हूँ, आप जाओ मेरे चैनल पे देख सकते हो। और ये भी बहुत अच्छे से मैं डाल रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छा, जो थोड़ी सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, बिगिनर्स भी अगर अच्छे से देखोगे तो भी आप कर पाओगे, और उससे ज़्यादा जो लोग इम्प्रूव कर चुकी है वो लोग भी इस ड्राॅइंग को बना पाओगे। तो कुछ कुछ एरिया में मैं यहाँ पर कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इतना शार्प आपका ऑयल पेस्टल बिल्कुल नहीं बनता, और अगर आप करने की कोशिश करते हो तो ड्राॅइंग अच्छा नहीं हो जाता। इसलिए मैं काफ़ी कुछ कुछ जगह पे डिटेलिंग के लिए मैं कलर पेंसिल यूज़ किया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो स्किन का जो टोन है कितना अच्छा ब्लेंड हुई है। और यहाँ पे ज्वेलरी जो करेंगे वो भी कलर पेंसिल और ऑयल पेस्टल के साथ मर्च करके ही करेंगे, ताकि ये इसको हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। अभी हम ईयर पे कलर डाल रहे हैं सेम, जो डार्क ब्राउन और पीच कलर से मैं यहाँ पे शेडिंग डाल रही हूँ, देख सकते हो। हेयर के लिए मैं पहले पेंसिल कलर से थोड़ी सी मार्क कर लिया, उसके बाद जो ज्वेलरी है उसको सिक्योर कर लिया, क्योंकि अगर हम ऑयल पेस्टल से इसको सिक्योर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ पर ज़रूरी होती है वहाँ पर हम ज़रूर कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ग्रे पेपर है, इस पेपर के ऊपर अगर आप ऑयल पेस्टल करते हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रे पेपर ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि वाइट पेपर है, क्योंकि इसका जो ग्रे कलर है थोड़ी सी हल्की है, जो जैसे कि हमारा A4 साइज़ का बुक्स होता है उसका थोड़ी सी डार्क होता है, इसका ग्रे कलर थोड़ी सी हल्की होती है, पर इसके ऊपर ऑयल पेस्टल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कितना स्मूथ ब्लेंडिंग यहाँ पर हो रही है। तभी हेयर पर मैंने इसको हर जगह पे ब्लैक अप्लाई कर दिया, उसके बाद कटन बट से ब्लेंड कर रही हूँ। देखो कितनी अच्छी से ये ब्लेंड हो रही है। पहले मैं माता रानी को बनाऊंगी, यशोदा मैया, उसके बाद ही कृष्ण जी को बनाएंगे। अभी देखो मैं येलो कलर डाल रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ऐसे करके थोड़ी सी डिज़ाइन को आपको मार्क करना है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी शेडिंग हम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लास्ट में हम लोग जेल पेन यूज़ करेंगे, जो कि कलर पेंसिल के ऊपर हम यूज़ करते हैं। मैं काफ़ी सारे जो वीडियो बनाई हूँ वहाँ पे उसका लिंक भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी हर एक मटेरियल के, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डिज़ाइन ऑलमोस्ट बना चुकी हूँ, अभी शेडिंग डाल रही हूँ। उसके बाद जब भी हम इसके ऊपर जेल पेन यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चकाचक बनेगा। हाँ, पर कलर पेंसिल से जो ज्वेलरी बनता है वो ज़्यादा रियलिस्टिक बनता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जब ऑयल पेस्टल से कर रही हूँ तो थोड़ी सी कम रियलिस्टिक आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ख़ास करके अदर आर्टिस्ट ऐसा करता है कि ब्राउन कलर दे के येलो कलर पहले डालता है, उसके बाद ब्राउन
ब्राउन कलर डालता है, उसके बाद एक सीजर से उसका डिज़ाइन बनाता है। तो मैं कुछ अलग तरीके से आपको दिखा रही हूँ, ऐसे भी आप डाल सकते हो तो ये भी ज़्यादा अच्छा लगता है आपके लिए। तो अभी देख सकते हो हाईलाइट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट पेंसिल से, उसके बाद थोड़ी सी एक्रेलिक से मैंने इसे डॉट लगा दिया, जो कि आपका ज्वेलरी होता है दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद मैं ऐसे छोटी छोटी थोड़ी सी अगर डिटेलिंग करोगे तो आपका ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने को लगती है। और आप देख सकते हो हमारी ज्वेलरी बनके तैयार है और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अभी आप गले में जो शेडिंग है उसको डालेंगे, लाइट जगह पे पीच डाल रही हूँ और सेम तरीके से मैं बट से कटन बट से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और आप यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखना कि वो ऊट का बाट हो, अगर प्लास्टिक का बट्स होते हैं तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, उसके ऊपर आप कोई प्रेशर नहीं डाल पाते हो। और अगर ये ऊट का बट्स होते हैं तो बहुत अच्छे से प्रेशर डाल के आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। अभी यहाँ पे ज्वेलरी मैं क्रिएट कर रही हूँ, सेम टेक्निक मैंने अप्लाई किया है जो कि मैं हेड पे यूज़ किया है। और देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये दिखता है, एकदम शाइनी दिखता है और ऐसे लगता है कि ये गोल्ड ज्वेलरी है और शाइन कर रहा है। अभी मैं क्लॉथ्स को यहाँ पे बनाऊँगी। क्लॉथ्स का जो पार है वहाँ पे हम देखने को मिलता है कि गोल्डन शेडो है और ब्राउन, तो उसको बना लिया। अभी यहाँ पे आपका हेयर्स है, उसके ऊपर थोड़ी फ्लावर्स भी लगा हुआ है, उसके लिए मैंने पहले फ्लावर्स को कर दिया, क्योंकि पहले अगर डार्क बना लेंगे तो उसके ऊपर रेड कलर अच्छे से नहीं जचेगा, कलर दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैंने पहले इसको ब्लैक कर दिया। उसके बाद पहले थोड़ी सी रेड डाल दिया, उसके बाद मैंने ब्लैक कर दिया सारी जगह पे। अभी हो गया, आप देख सकते हो इसका, अभी इसका जो क्लॉथ है उसका डिज़ाइन बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे रेड टाइप का डिज़ाइन दिख रहा है वहाँ पे रेड टाइप डिज़ाइन बना के फ्लावर्स का। उसके बाद मैं ब्लू से शेडिंग डाल रही हूँ। अभी इसको भी मैं कटन बट से ब्लेंडिंग करूँगी, बहुत अच्छे से ब्लेंड होकर तैयार होता है, लुक्स भी अच्छा देता है, तो आप भी ऐसे यूज़ करिएगा। थोड़ी सी लास्ट में मैंने अपनी उंगलियों को यूज़ किया था तो अच्छा ही लगा था। अभी फेस को स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के पहले इसका जो पेंसिल है उसको अच्छी तरीके से रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नीडेबल इरेजर चाहिए, जो कि अगर ऐसे रोलिंग में आप यूज़ करते हो तो बहुत अच्छे से आपका ग्राफाइट पेंसिल इरेज हो जाता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल इरेजर से इरेज करोगे तो कहीं पर एकदम इरेज हो जाती है, कहीं पर थोड़ी थोड़ी रह जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। तो इस टाइप से के लिए आप ऐसे चला लेना तो अच्छे से हो जाता है। अभी किशन जी का फेस का कलर बनाएंगे, काफ़ी लाइट कलर है, यहाँ पे ज़्यादा शेडिंग नहीं डाल सकते, तो अपने हिसाब से मैंने कलर स्टार्ट कर दिया। थोड़ी सी रेडिश शाइन भी दे रहा है और जो स्काई कलर है वो बहुत ही हल्का स्काई कलर है, तो जितना हद तक हो सके रेफरेंस की तरह ही बनाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए मैं यहाँ पे हल्की कलर डाल रही हूँ। आप देख सकते हो अभी तो बहुत ही बुरा लग रहा है, पर जब ही इसको ब्लेंड करेंगे उसके बाद एक आपको सेल्फ एक्सपेरिमेंट करना है कि अभी कोई पोजीशन में थोड़ी सी कोई कलर चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी ब्लेंडिंग चालू हो गया है, और ख्याल रखना कटन बट्स की जिस साइड से आप डार्क प्लेस में ब्लेंड करोगे उसको देकर आप लाइट प्लेस में ब्लेंड मत करना, नहीं तो आपका ड्राइंग पूरी तरीके से ख़राब हो सकती है। देख सकते हो सिर्फ डार्क प्लेस ही मैं पहले बना रही हूँ, हर एक जगह नहीं बना रही हूँ। अभी देखो मैं इसका जो टिप था थोड़ी सी मैंने राउंड कर लिया, इस साइड पे देखो डार्क दिखा रहा है, उस साइड में मैं लाइट जो कलर है उसको ब्लेंड कर रही हूँ, तभी जाके अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, अदरवाइज़ आपका कलर पूरी तरीके से मेसी बन जाता है। ठीक है, अभी मैं लाइट जो प्लेस है, थोड़ी सी यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए, अगर जल्दी करने की कोशिश करोगे तो ड्राइंग बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक हमें यहाँ पे दे रहे हैं। हमारा ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ब्लेंडिंग के बाद कोई कोई जगह पे हाईलाइट वाली एरिया पे अगर आपको लगता है कि वाइट चाहिए ज़रूर आप वाइट यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो नहीं यूज़ कर सकते हो। तभी मुझे यहाँ पे ब्लेंडिंग के बाद थोड़ी सी लगा था कि वाइट ज़रूरी है, तो मैंने थोड़ी सी वाइट यूज़ किया था। ये देखो वाइट सा शाइन भी आ गया। अभी जो यहाँ का फाइन लाइन है उसके लिए हमको कलर पेंसिल चाहिए ही चाहिए, तो मैं उसको ऐड कर रही हूँ। देखो हल्के हल्के से आईब्रो के अंदर ब्लू कलर था, तो पहले मैंने ब्लेंड किया तो पूरी तरीके से डार्क बन गया था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्केचर से उसको स्केच कर दिया तो आईज़ ठीक हो गया था। आईबॉल के अंदर जो वाइट प्लेस होता है वो कभी भी पूरा वाइट कभी भी नहीं रखना चाहिए, तो ड्राइंग में बिल्कुल ही ऑड लुक देता है, इसलिए तो मैंने हाथों से थोड़ी सी ब्लेंड कर दिया तो पूरी एक शेडो वाला जो साइट है वो आ गया।
आईब्रो बनाएंगे अभी। धीरे धीरे ऐसे शेडिंग ऐड करते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बनता है। लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे कलर पेंसिल से ही कर दिया, दोबारा मैंने यहाँ पे जो ऑयल पेस्टल है यूज़ नहीं किया। कर सकते थे पर मैंने लगा कि थोड़ी सी इसको पेंसिल से ही कर देती तो ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं होता है। अभी देखो बहुत अच्छा लग रहा है। ये ड्राइंग थोड़ी सी टाइम लिया क्योंकि इस ज़्यादातर अगर कोई और करता तो ज्वेलरी मैं हमेशा थोड़ी सी रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मेरा ड्राइंग जो होता है उसमें थोड़ी सी टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं लगता। और मुझे रियलिस्टिक ज्वेलरी बना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ जितना हद तक हो सके। जैसे कि आप देख सकते हो रेफरेंस वाली जो कृष्ण जी है उसका जो बांसुरी है वहाँ पर कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला हुआ है, और गले में जो ज्वेलरी पहना हुआ है उसका भी डिज़ाइन अच्छे से समझा नहीं जा रहा है। तो मैंने हमेशा अपनी तरफ से उसको ऐड कर देती हूँ। आपको भी बताया है अगर ज्वेलरी का डिज़ाइन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप आपके हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हो डिज़ाइन, तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से ही बना लिया। उसके बाद जो बांसुरी की बात मैं कर रही थी, बांसुरी में देख सकते हो रेफरेंस में कोई भी डिज़ाइन नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है थोड़ी सी डिज़ाइन डालना, इसलिए मैंने अपनी बांसुरी को डिज़ाइन डाल लिया है। और आप जब देखना कि मैं कैसे बांसुरी को ड्राइंग कर रही हूँ, उसका हाईलाइट दे रहे हो, उसी टाइप से अगर आप फॉलो करके बनाओगे तो आपका बांसुरी भी एकदम रियलिस्टिक गोल्ड का लगेगा। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम आएंगे बांसुरी पे, आप देखना तब हम कैसे इसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मेरा मिस्टेक हो गया था, उंगलियों डिज़ाइन के ऊपर आ गया था तो वहाँ पे येलो कलर आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंसली करना पड़ता है धीरे, थोड़ी सी अगर आप लापरवाही कर दी तो आपका ड्राइंग बहुत ख़राब हो जाती है। देख सकते हो शेडिंग के लिए येलो कलर में मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया और इसको ब्लेंड करेंगे हाथ के ज़रिए, सॉरी कॉटन ब्रश के ज़रिए मैंने इसको ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हाथ के ज़रिए मैंने बाद में बैकग्राउंड को किया था। इस जगह पे अगर अच्छे से करने जा रहे थे तो उसको मेसी बन डालो, क्योंकि हाथों में कितने आपका ज़्यादा स्पेस ले लेता है जब आप हाथ से ब्लेंड करने की कोशिश करते हो तो वो ख़राबी हो जाता है, इसलिए कॉटन ब्रश से आप करोगे तो वो ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। अभी यहाँ पर जो हेयर्स है उसको कम्प्लीट कर लेंगे, थोड़ी सी ज्वेलरी बचा है उसको तो कर ही लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो एरिया है फाइन लाइन वाली एरिया वहीं पे मैंने पेंसिल से कलर किया है, और बाकी का जो पोर्शन है वहाँ पे मैंने ऑयल पेस्टल का ब्लैक कलर यूज़ कर दिया, वो जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर फेस आप अच्छे से ऐसे सिक्योर करना चाहते हो हेयर से तो कलर पेंसिल यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ऑलमोस्ट हो गया, अब इसको ब्लेंड कर देंगे। मैं सिर्फ आप के लिए पूरी डिटेल्स में बनाती हूँ ताकि अगर कोई बिगिनर्स इस ड्राइंग करना चाहे तो वो ए टू जेड मेरी तरह ही बना पाए, जितना हद तक हो सके अगर वो देख के पूरी अच्छे से कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा उसका ड्राइंग। इसलिए मैं ज़्यादातर फुल ट्यूटोरियल ही डालती हूँ, जितना हो सके आपको डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करती हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ी सी उंगलियों से मैंने इसको ब्लेंड किया था, उसके बाद पेंसिल से मैं जैसे डिज़ाइन डालती हूँ तो हर एक जगह पे डिज़ाइन आपको मार्क कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसको शेडिंग डाला था, अभी देख सकते हो सेम तरीके से मैंने शेडिंग डाला, और इसकी जो नीचे का पार्ट्स है उस पार्ट्स में थोड़ी सी ब्लैक कलर ही ज़्यादा दिख रहा है। आप रेफरेंस में आप देखोगे तो आप समझ सकते हो, तो वहाँ पर मैंने थोड़ी सी ब्लैक कलर यूज़ किया। उसके बाद साड़ी में जो कलर है वो आपका ब्लू दिख रहा है, तो मिडिल में मैंने लाइट ब्लू यूज़ किया और दोनों साइड से मैंने डार्क ब्लू यूज़ किया, और बहुत ज़्यादा क्लोथ्स का जो यहाँ पे आप शेडिंग देख रहे हो उसके लिए मैंने ब्लैक कलर ही यूज़ किया, तो ज़्यादा ये अच्छा शाइन दिखा रहा था। और मिडिल में जहाँ पे हाईलाइट दिख रहे हो वहाँ पर थोड़ी सी मैं देख सकती हूँ वाइट कलर डाल दिया ताकि यहाँ पर जो हाईलाइट्स एरिया है वो अच्छे से दिखे। ऐसे ब्लेंड करने के बाद मैंने उंगलियों से इसको ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मेरे पास सब कटन से करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो ये क्लॉथ से यहाँ पे हाथों से करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि क्लॉथ्स में थोड़ी सी ऐसे डिज़ाइन रह जाते हैं जो कि हाथों से ब्लेंड करने के बाद आ जाता है, तो ये क्लॉथ्स के लिए अच्छा रहता है और अच्छा भी दिखता है। आप देख सकते हो अभी थोड़ी सी वाइट यहाँ पर डालेंगे ताकि अच्छा दिखे, थोड़ी सी यहाँ पर ब्लेंड भी कर दीजिएगा,
उसके बाद हम ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हो देखो, तो साड़ी का जो फोल्डिंग पार्ट्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नज़र आते हैं और दिखने में भी बहुत रियलिस्टिक लगता है। इसको भी सेम तरीके से हाथों से ब्लेंड कर देंगे, आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक दे रहा है। अभी साड़ी के ऊपर जो रेड कलर का डिज़ाइन लगा हुआ था तो ऑयल पेस्टल इसके ऊपर नहीं आएगा और उसको सिक्योर करके अगर हम करने जाते तो अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर के इस्तेमाल किया। हर जगह पे पहले आपको रेड कलर डालना है, उसके बाद जहाँ पे हाईलाइट एरिया है वहाँ पे आपको ऑरेंज डालना है ताकि क्लॉथ्स के ऊपर जो शाइन आया है इस पोर्शन में, मिडिल पोर्शन में लाइट्स है वो आप अच्छे से दिखा सको। तो उसके बाद क्लॉथ्स थोड़ी सी यहाँ पे बाकी रहेगा, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे बैकग्राउंड। आप देख सकते हो मैं पूरी ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही लाती हूँ ताकि आपको कोई भी जगह पे इशू ना हो, आप ए टू जेड इसको देख के बहुत ही अच्छी तरीके से बना पाओ। मैं थोड़ी सी हाईलाइट के लिए वाइट कलर यूज़ किया। अभी मयूर पंख को हम यहाँ पर बनाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करना है। अभी देख सकते हो अगर आप सही सलामत मेरी तरह देख के ऐसे बनाओगे तो आपका ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्यारी लगेगा। ब्राउन कलर अभी डाल रहे हैं, अभी इसको ब्लेंड करेंगे। पहले ये बना रहे हैं उसके बाद ही हम बैकग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि इस जगह पर अगर बैकग्राउंड के जो कलर है आ जाएंगे तो ये हम अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो ये हम पहले कर लिया, इसका जो एरिया है उसको मार्क कर लिया। अभी हम बैकग्राउंड बनाएंगे धीरे धीरे। देख सकते हो कि सर के ऊपर थोड़ी सी येलो कलर है, उसके बाद ब्राउन धीरे धीरे डार्क की पोजीशन ले रहा है। तो पहले मैंने येलो कलर दिया, उसके बाद लाइट ब्राउन, उसके बाद डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। ऐसे धीरे धीरे कलर को हम डार्क की तरफ ले जाएंगे। इसके बाद मैं पर्पल यूज़ कर रही हूँ। डायरेक्ट ब्लैक कलर कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो जो एक खूबसूरत वाली नज़ारा होता है ड्राइंग का वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं मिक्स करके बना रही हूँ। डार्क ब्लू, पर्पल कलर, थोड़ी सी रेड कलर, ऐसे देखे मैं इस कलर को डार्क बना रही हूँ। आप देख सकते हो अभी उंगलियों से ही मैंने इसको ब्लेंड किया क्योंकि बहुत बड़ा सरफेस था, मुझे लगा उंगलियों से ब्लेंड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि मैंने जो फेस था वहाँ पे मैंने जल्दबाजी नहीं किया। अभी बैकग्राउंड के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी किया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आपको अच्छे अगर नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ी सी हेजी होता है, थोड़ी सी इस टाइप का होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर फेस, कपड़ा ये सब बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और इसको मैंने हाथों से ब्लेंड नहीं किया था। अभी इसको मैं हाथों से कर रही हूँ, जल्दी भी हो जा रहा है, वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होता। अब देख सकते हो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से डार्क बन गया और हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अभी आप देख सकते हो अगर फाइनल लुक आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सपोर्ट माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। इसका जो ड्राइंग है मैं अपनी ब्रॉडकास्ट चैनल पे डाल दूंगी। टू जॉइन माय ब्रॉडकास्ट चैनल नाउ, माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ आर्टिस्ट शिवली। अभी जाओ फॉलो करो और सारे अपडेट्स बहुत पहले मिल जाओ। वहाँ पर मैं सारे रेफरेंस पिक शेयर करती हूँ, जैसे कि मदर्स डे वाली बहुत पिक शेयर किया है, इसको भी शेयर किया है। और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।